अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी बता दूं आपको या बाद में बताऊं जाने के बाद, लेकिन मैं हल में अभी बता देती हूं। आज हम लोग जा रहे हैं, शेर मियां दास साहब को सदारती अवार्ड मिला और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे क्या बल्कि बहुत सारे दोस्तों को, और उनको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और जाके भी मुबारकबाद दूँगी। आपसे बात इसलिए कर ली कि शायद उधर म्यूज़िक लगे होते हैं, शोर होता है, इतना हम लोग बातचीत ना कर सके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे तो कुछ नहीं छुपाती कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो अभी जाके देखते हैं, फ्लैटी होटल में शोर है तो कैसा माहौल है, और अच्छा ही होगा माशाल्लाह, सारे फनकार ही होंगे और इंशाल्लाह ताला आपको भी मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज हम फ्लैटी होटल में आए हैं और मैं यहाँ पे शेर मियां दास साहब को जो सदारती अवार्ड मिला है उसके लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरे साथ शजर साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे शजर साहब जी? मैं ठीक ठाक, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमेशा माशाल्लाह तुम फनकाराना इतनी मोहब्बत करते हो और तुम हर तकरीब सानू तुहाडी वजह नाल आना पैंदा, किसी ले नहीं भी मौका होंदा आन दा, लेकिन जो तुम इन्ने प्यार नाल सानू ऑर्डर करते हो तो सानू आना पैंदा। मेरे यूट्यूब चैनल वास्ते की कहोगे? माशाल्लाह तुहाडा यूट्यूब चैनल जिहड़ा बहुत अच्छा जा रहा है, तुहाडे नाल वैसे ही सारे फनकार जिहड़े ने मुहब्बत करते हैं क्योंकि तुम सब नाल मुहब्बत करते हो, तो साड़ी बेस्ट विशेज तुहाडे नाल ने, बल्कि कल्चर जर्नलिस्ट एसोसीएशन की तरफ तो बतौरे चेयरमैन मैं चाहना कि असी थोड़े लिए यूट्यूब लिए चैनल जिहड़ा तुहाडा है हुक्म करो साडे लिए, जो तुसी कहोगे असी तुहाडे यूट्यूब चैनल की प्रमोशन लिए असी हाजिर हाँ। चुके बहुत शुक्रिया शजर साहब जी। ये हैं मेरे अपने लोग और देखें आप कितनी मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत की वजह से आज तक मैं आपको नज़र आती हूँ। हमारे पास एक शील्ड है, खवातीनों साहब आप जितने भी सामने बैठे भी आप सब इस तस्वीर का हिस्सा हैं, लेकिन आप एक अच्छी वाली क्लैप कीजिए ताकि हमारी ये तस्वीर ज़रा और खूबसूरत बन जाए। और ये शील्ड जी, सलीम नूर कहाँ पे हो भाई? सलीम नूर, थैंक यू वेरी मच फॉर मैनेजिंग दिस प्रोग्राम, आपका इस प्रोग्राम को मैनेज करने के हवाले से खासतौर पर बहुत सारा शुक्रिया। और जिस तरह से एमरजेंसी आप मेरे सर पे डालते हैं और जिस तरह से आपके सर पे एमरजेंसी आती है उसके लिए आई कैन अंडरस्टैंड योर इश्यूज। तो जनाब ये एक शील्ड है हमारे पास जो उस्ताद शेर मियां दास खान साहब की खिदमत में ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन आप सबकी तरफ से ये पेश की जा रही है, कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये एक शील्ड है जो कि हमारे दोस्तों की तरफ से आपकी तालियों के साथ पेश की जा रही है और बाकी सब जाहिर है दोस्तों का साथ दे रहे हैं। तालियां के बदले रोज़ आपका मैं तालियों के साथ
चाबस दीजिएगा। ये दैट इज योर लव टुवर्ड्स उस्ताद शेर मियां खान साहब, हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस फाइनल परफॉर्मेंस पर। और कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने एक इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम उस्ताद शेर मियां खान साहब के एजाज में आज मुनक्कद किया। और ख़ास तौर पर आज का ये दिन आप लोगों के साथ गुजर रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़े लोग हैं जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और पहली हसीन लड़की को तुम्हें बुला लूँ, पहली हसीन लड़की का कमाल ये है कि उसका नाम दुर्दाना रहमान है। बस नाम कमाल ये है कि वो दुर्दाना रहमान। दुर्दाना जी आइए आप स्टेज पे। दुर्दाना रहमान कोई हमारे आर्टिस्ट है जिसने बहुत बड़े सीनियर लोगों के साथ भी काम किया, कहाँ वही कुरान और कहाँ शान, उन दोनों के साथ काम कर चुकी। और बहुत ज़्यादा देर उनको देख के यकीन की जब छट पड़ गई आज इस प्रोग्राम में। आइए दुर्दाना जी। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आप तो इंसान को जिंदा कर देते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। सबसे पहले मेरा सबको सलाम, और मैं मीडिया की बेहद मशहूर हूँ। मैं एक एक का नाम तो नहीं लूँ, लोगों की सभी मीडिया में आ जाते हैं। ठाकुर लवारी साहब, ताहिर बुखारी साहब, मद्दी साहब, सब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है ये इनकी बहुत मोहब्बतों का सिलसिला है, और अल्लाह ताला इसी तरह रखे। और माशाल्लाह मैं शेरियाना साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, इनको सदारती अवार्ड जो मिला उसका बहुत बड़ी बात है कि हम सबको मिला, ताकि हम सब इकट्ठे हैं आज यहाँ पे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी फनकार है वो जितनी मेहनत करता है उसे पता होता है कि उसने क्या किया। तो अवार्ड मिल जाना कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान उसकी आर्टिस्ट की स्ट्रगल जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। उसको पता होता है कि उसको सरकार के अवार्ड तक जाना है और उसने कितनी स्ट्रगल की। तो बाकी मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला